हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैनेडियन बनिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ न्यू अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत ही बुरी अपडेट्स की गई हैं VFS के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत से COVID-19 के केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बट जो COVID-19 के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं उस पर सब ध्यान देते हैं, लेकिन जो COVID-19 के केस ठीक हो रहे हैं उस पर कोई नहीं ध्यान देता। लाइक 2 लाख टू 2.5 लाख तक अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो 1.5 लाख डेली ठीक भी हो रहे हैं, बट दोस्तों उस पर कोई ध्यान नहीं देता। देखते सब ये हैं कि कितने केस इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो उसके हिसाब से डिसीजन लेकर हमारा जो न्यू अपडेट है वो बन गया है, VFS एंड पासपोर्ट स्टैंपिंग क्लोज़ हो गई है। हाँ जी, सही दोस्तों, VFS एंड पासपोर्ट स्टैंपिंग क्लोज हो गई है। ये सही न्यूज़ है बिल्कुल, एंड ये न्यू अपडेट आई है VFS की तरफ से। सो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, मैं आपके सामने सभी कुछ शो करूँगा। सो क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ट्रैवलिंग पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में हर जगह पर लॉकडाउन है, कहीं कहीं एंड कहीं कहीं पर कर्फ्यू है, जिम्स दोबारा से क्लोज कर दी गई हैं 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक इंडिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सो ये क्या हमारी ट्रैवलिंग पर भी, स्टूडेंट्स की ट्रैवलिंग पर भी असर करेगा या नहीं, ये एक अभी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट अभी तक जो न्यूज़ है वो VFS एंड पासपोर्ट स्टैंपिंग के बारे में है, वो हो चुकी है क्लोज़ दोस्तों। तो गाइज, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, बट दोस्तों से पहले मेरा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डीएम मी, देन आई विल हेल्प यू बाय गिविंग आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगर आपका किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपका क्वारंटीन को लेकर क्वेश्चन है, तो मुझे DM कर दीजिए, देन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। सो गाइज, चलते हैं वीडियो की ओर। सो न्यू अपडेट्स की बात करेंगे आज हम, ट्रैवलिंग के बारे में बात करेंगे एंड VFS एंड पासपोर्ट स्टैंपिंग के बारे में बात करेंगे। सो अभी अभी VFS की तरफ से एक अपडेट आई है, कनाडा इन इंडिया पे ट्विटर पे डाला गया है। ड्यू टू इंक्रीज इन COVID-19 केसेज, लॉकडाउन एंड कर्फ्यूज हैव बीन इम्पोज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया विच में इम्पैक्ट VAC सर्विस। फर्स्ट में इन्होंने ये बोला है कि जो COVID-19 के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो लॉकडाउन एंड कर्फ्यूज़ हो रहे हैं वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में, इंडिया के कई पार्ट्स में, बीच में इंपैक्ट VAC सर्विसेज। सो ये इंपैक्ट करेगा VAC सर्विसेज को नेगेटिव वे में। लाइक अगर आपके VAC सर्विस में पासपोर्ट गया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, या आपका अगर बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट थी तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सो मैं आगे देखता हूँ नेक्स्ट में। इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड द 2-way courier सर्विस, जो आपकी 2-way courier सर्विस की पेमेंट लिंक आता है, जब आपकी PPR आ जाती है उसके बाद पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है 2000 तक की, अगर आपने वो पेड कर दी है बट हैव नॉट येट सबमिटेड योर पासपोर्ट, अगर आपने अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं किया है, आप वेट कर रहे थे कि कब लेने आएंगे वो, प्लीज़ होल्ड ऑन टू इट अनटिल सर्विसेज रिज्यूम। सो उन्होंने स्पेशली बोला है कि वो आप अपने पास ही रखें जब तक कि सर्विसेज रिज्यूम नहीं हो जाती, आपको अपना पासपोर्ट नहीं भेजना है, क्योंकि अगर आप भेजोगे तो हो सकता है कि सर्विसेज कब तक ओपन होगी ये नहीं पता किसी को, हो सकता है आपका पासपोर्ट इधर उधर हो जाए, इससे अच्छा है कि पासपोर्ट आप अपना अपने पास ही रखें, जब सर्विसेज दोबारा स्टार्ट होगी तभी उसे भेजें। इफ़ यू हैव सबमिटेड योर पासपोर्ट इट विल बी रिटर्न्ड टू योर वंस द पासपोर्ट सर्विसेज रिज्यूम। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखिए, अगर आपने अपना पासपोर्ट दे दिया है तो पासपोर्ट आपको ये नहीं कि 10 to 15 days में वापस मिल जाएगा, जैसे कि अभी तक चल रहा था। उन्होंने स्पेशली बोला है कि पासपोर्ट आपको तब दिया जाएगा जब सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज रिज्यूम होंगी, जब VFS सेंटर ओपन होंगे अगेन। सो आप अगर अपना पासपोर्ट के लिए पेमेंट करी है एंड पासपोर्ट देने वाले थे तो पासपोर्ट मत दीजिएगा, अपने पास रखिएगा जब तक ये सर्विसेज रीओपन नहीं होती। नेक्स्ट, VACs इन अफेक्टिव सिटीज़ विल रिमेन क्लोज ड्यूरिंग कर्फ्यूज़। जहाँ जहाँ पर कर्फ्यूज़ हैं वहाँ पर VAC बंद कर दिए गए हैं बिल्कुल भी अफेक्टिव सिटीज़ में। कुछ सिटीज़ में क्लाइंट्स हु हैव अ कन्फर्म बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट विल बी कॉन्टेक्टेड विद द न्यू अपॉइंटमेंट। सो जिन्होंने पहले से कन्फर्म बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट थी जिनके पास, उनको दोबारा से उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और न्यू अपॉइंटमेंट के लिए पूछना पड़ेगा वंस VAC रीओपन, जब वो ओपन हो जाएंगे। प्लीज़ विजिट द VFS वेबसाइट फॉर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन VAC सर्विसेज एंड RO ऑपरेशन। सो इसके लिए उन्होंने बोला है कि आप अपने VFS वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि कौन कौन सी सर्विसेज अभी ओपन है, कौन कौन सी क्लोज हैं, क्या क्या उनके आर्स हैं ऑपरेशन के, क्या क्या नहीं है, किस टाइम वो वर्क कर रहे हैं, किस टाइम वर्क नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों, यही थी आज की जो टोटली अपडेट थी। एंड ट्रैवल के बारे में अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या बनेगा ट्रैवल का, कि बंद तो नहीं कर देंगे, क्योंकि ट्रैवल ऑलरेडी UK के लिए एंड कई कंट्रीज़ के लिए इंडिया जो है रेड अलर्ट पे है। सो कई फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं ऑलरेडी, लाइक UK के लिए कल ही न्यूज़ आई है कि कल बिल्कुल बंद कर दी गई है। सो अभी ट्रैवलिंग के लिए क्वेश्चन मार्क है कि कनाडा स्टूडेंट्स को रोका जाएगा या नहीं, फ़्लाइट्स ओपन रहेंगे या नहीं। बट इस न्यूज़ के बाद दोस्तों प्रॉब्लम उनको आ गई है जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक कर दी थी और पासपोर्ट जिनका वहाँ पर चला गया है VAC सेंटर में। सो जिनका पासपोर्ट VAC सेंटर में गया हुआ है एंड
उन्होंने अपनी टिकट भी बुक कराई हुई है 8 to 10 days के बाद की। सो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनके लिए क्या होगा, क्योंकि उनका पासपोर्ट वापस नहीं आएगा जब तक ये सर्विसेज रीओपन नहीं होती। सो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। सो मैं आपको एक बार VFS ग्लोबल की साइट पर ले आया हूँ, एंड 20 अप्रैल को ये न्यूज़ आई थी। प्लीज़ नोट दैट द वीज़ा ऑफिसर्स हाई कमीशन कंसल्टेंट्स विल रिमेन क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ द कोविड सिचुएशन एंड कर्फ्यू इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 20 अप्रैल को बंद कर दी गई हैं ये सर्विसेज सारी। वीज़ा ऑफिसर जहाँ से आपका पासपोर्ट स्टैंप होकर आता है, मेन ऑफिस बंद कर दिया गया है। द 2-way कोरियर पासपोर्ट सर्विस स्टैंड सस्पेंडेड। योर पासपोर्ट पिकअप रिक्वेस्ट विल बी सर्विसेज वंस बिजनेस रिज्यूम। सो अगर आपकी पासपोर्ट पिकअप रिक्वेस्ट नहीं आई है आपके पास, तो वो सर्विसेज तभी रिज्यूम की जाएगी जब आपकी बिजनेस रिज्यूम होगा, VFS का काम रिज्यूम होगा, दोबारा से वो स्टार्ट करेंगे। फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रिसेप्शन ऑफ सर्विस प्लीज़ विजिट। उन्होंने बोला है कि अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इस पर साइट पर विजिट कीजिए। इफ़ यूर एप्लीकेशन इज़ इन ट्रांसिट विद द कोरियर पार्टनर एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर और सबमिटेड टू द हाई कमीशन, प्लीज़ एक्सपेक्ट अ डिले इन द प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड रिटर्न डिलीवर ऑफ यूर प्रोसेस पासपोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ यूर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय वेरियस गवर्नमेंट ओइंग टू द COVID-19 पैंडेमिक। सो उन्होंने बोला है कि अगर आपका पासपोर्ट आपने दे दिया था और हमारे पास आ गया है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, सर्विसेज लेट हो सकती हैं क्योंकि अभी इस टाइम पे सर्विसेज क्लोज्ड हैं, बंद चल नहीं रही हैं। प्लीज़ डू नॉट विजिट द VAC एज वॉक इन सर्विस आर करंटली सस्पेंडेड एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। सो उन्होंने सबसे पहले, जैसे सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले वाली हो गई हैं, सारी सिचुएशन पहले वाली हो गई है, कि उन्होंने बोल दिया है कि हमारे पास कोई भी विजिट करने का आपका फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने सर्विसेज क्लोज कर दी हैं। And to the current situation, our call center is working on limited capacity. We request you to send in any inquiry, emails or reminder. Our responses will be delayed. So, अगर आप, उन्होंने बोला है कि लिमिटेड कैपेसिटी के साथ कम कर रहा है हमारा स्टाफ, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इंक्वायरी और ईमेल रिमाइंडर कुछ मत दें आप, आर रिस्पॉन्सेज विल बी डिले, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, यही थी आज की जो अपडेट्स थी जो मैंने आपको आपके साथ शेयर करनी थी। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका पासपोर्ट भी गया हुआ है तो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन आ जाएगा आपके पास। एंड बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट अभी बिल्कुल क्लोज हो गई है, लाइक पहले वाली सिचुएशन बन गई है, जैसे पहले सब स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे VFS ग्लोबल के लिए। सो उस टाइम बिल्कुल सेम यही था कि हमें भी VFS क्लोज़ कर दिए गए थे, उसके बाद हमने कम से कम 4 months मैंने खुद ने अपने बायोमेट्रिक के लिए वेट किया था। सो अब भी यही दोबारा से हो गया है। अब स्टूडेंट्स एक बार फिर से ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण VFS जब ओपन होगा सो रश बढ़ जाएगा। सो अगर आपका पासपोर्ट गया हुआ है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भी पता है इंडिया में सिचुएशन कैसी है। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू